हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं द्रव्य की प्रकृति के बारे में। पहले वीडियो में हमने द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन आप मैटर के बारे में समझते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण जो आपको क्लास 9 से ही पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 9 के पाठ 2 में आप जान चुके हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर बड़े रूप में कहा जाए द्रव्य का वर्गीकरण कीजिए, तो आप द्रव्य को दो भागों में बांटेंगे, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में। इन्हें और आगे जो है वर्गीकरण किया जा सकता है, इनको उप विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, बड़े स्तर पर मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। ठीक है, फिर इसको आप बांट सकते हैं, मिश्रण को दो भागों में बांटेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटेंगे, तत्व और यौगिक। ठीक है, इस तरह से द्रव्य जो है चार भागों में बट गए हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व और यौगिक। ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पर पूछा जाए द्रव्य के कितने भाग हैं, तो दो भाग हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, क्लास 9 में आपको बताया गया। फिर जो है इनको आगे विभाजित करेंगे, उप विभाजित करेंगे, तो मिश्रण दो भागों में बढ़ जाएगा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ दो भागों में बढ़ जाएगा, तत्व और यौगिक के रूप में। आगे देखते हैं, जब किसी पदार्थ के सभी घटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, ठीक है, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक जो हैं, सभी घटक जो हैं कण, वे रासायनिक रूप से समान हों, तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, मिश्रण जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसमें मिश्रण बनता है, शुद्ध पदार्थ से ही क्या बनता है, मिश्रण बनता है। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, मिश्रण के घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो मिश्रण के घटक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। किसी भी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ के कण जो हैं किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ जो हैं मिश्रण के रूप में हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ किस रूप में हैं, मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण होते हैं। कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी होता है। कब जो है मिश्रण को समांगी कहेंगे, कब विषमांगी कहेंगे, ठीक है, तो किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे के पूर्णतया मिश्रित होते हैं। अगर मिश्रण समांगी है तो उसके घटक जो हैं वे पूर्णतया एक दूसरे में मिश्रित होंगे। ठीक है, किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। ठीक है, मिश्रण में घटकों के कण जो हैं वे संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन और हवा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन जो है पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे चीनी और नमक तथा दाल के दो दानों और गंदगी, प्राय छोटे कंकड़ के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जब आप चीनी, नमक, दाल के दानों और छोटे कंकड़ को मिलाकर मिश्रण तैयार करेंगे तो सबको आप अलग अलग देख सकते हैं, तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। इसमें आपको बताया गया या आप कक्षा 9 में पढ़े हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन्हें आगे भी उप विभाजित किया जाता है।
तब द्रव्य जो है मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, फिर मिश्रण जो है समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण बढ़ता है और शुद्ध पदार्थ जो है तत्व और यौगिक में बढ़ता है। तो पहले आप पढ़ रहे हैं मिश्रण के बारे में जिसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया जा रहा है आपको, फिर आप पढ़ोगे शुद्ध पदार्थ के बारे में जिसमें तत्व और यौगिक के बारे में आपको समझाया जाएगा। आपने देखा कि जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ जो हैं वो मिश्रण हैं, जैसे जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण होते हैं। ठीक है, अब जो है कोई भी मिश्रण जो है समांगी या विषमांगी हो सकता है। कब समांगी कहेंगे कब विषमांगी कहेंगे, तो किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। किसी समांगी मिश्रण में घटक जो हैं एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं, इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखर जाते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। ठीक है, मिश्रण में घटकों के कण जो हैं संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन और हवा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन जो है वह पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है, कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे चीनी और नमक तथा दाल के दानों और गंदगी प्राय छोटे कंकड़ के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रण के कई उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जो विषमांगी मिश्रण हो। यहाँ यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिश्लन, आसवन आदि भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, वह तरीका हो सकता है हाथ से बीनना, छानना, क्रिश्लन, आसवन। ठीक है, अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ के अभिलक्षण मिश्रण से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वह मिश्रण से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है, फिक्स होता है। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज जो हैं यह शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अतः अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संघटकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सामान्य भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण जो है मिश्रण से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के उदाहरण। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अतः
अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठकों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सामान्य भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को आप तत्व और यौगिक में बांट सकते हैं। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं में परमाणु और अणुओं से परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एकक दो में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, नाइन्थ में परमाणु और अणु के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन आप जो है चैप्टर टू में एकक दो में विस्तार से पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के उदाहरण हैं। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, इन सब में चाहे चांदी हो, ऑक्सीजन हो, तांबा हो, हाइड्रोजन हो, सब में ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु सब एक जैसे होंगे, तांबा लेंगे तो तांबा के परमाणु सब एक जैसे होंगे, चांदी लेंगे चांदी के परमाणु सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे ऑक्सीजन और तांबा का तो दोनों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होंगे। तांबा और चांदी का तो दोनों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होंगे, लेकिन अगर एक ही परमाणु के बारे में देखेंगे तो सभी परमाणु एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ के घटक परमाणु होते हैं, लेकिन कुछ के घटक अणु होते हैं। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं जो दो या अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, जो दो या अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं जो क्रमशः इनके दो परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं जो क्रमशः इनके दो दो परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, जैसे H2N2O2। देखें ध्यान से, परमाणु और अणुओं का निरूपण यहाँ पे किया गया है फिगर में, जिसमें आप देख सकते हैं यह आपके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, सोडियम है, यह विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दिखाया गया है। अब जो है हाइड्रोजन का एक अणु बनने के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु आपस में मिलकर H2 बन रहा है, हाइड्रोजन का अणु बन रहा है। ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर O2 बन रहा है, ऑक्सीजन का एक अणु बन रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं वह गैसों में इन तत्वों के अणु के रूप में उपस्थित होते हैं, H2O2N2 के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कॉपर, सोडियम, ठीक है, ये सब अकेले परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं। आगे देखें, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है, जब अलग अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। यौगिक बनने के लिए क्या होना चाहिए? अलग अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु होना चाहिए और एक निश्चित अनुपात में संयोजित होना चाहिए, तब आपको यौगिक प्राप्त होगा। तो जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। किसी यौगिक के घटकों को किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में अलग
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है, उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें अलग करने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिक के उदाहरण हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं वाटर का फिगर बना है, H2O और CO2। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का यहाँ निरूपण दिखाया गया है। ठीक है, आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं कि जल में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, अतः जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु संयुक्त होते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु जो हैं वे एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह जो अनुपात है किसी यौगिक का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। किसी यौगिक का गुणधर्म जो है उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव है। ठीक है, तो यह जो यौगिक जल बना है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के अलग गुण दिखाता है। यह भी जानना रोचक है कि हाइड्रोजन जो है एक तेज ध्वनि के साथ जलता है। हाइड्रोजन को आप जलाएंगे एक पप ध्वनि के साथ जलेगा। ऑक्सीजन जो है दहन में सहायता करता है, ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है, परंतु इन दोनों के मिलने से जो जल बन रहा है इसका उपयोग जो है एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है, आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यौगिक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ चर्चा करेंगे द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा द्रव्य के प्रकृति के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।